गुड गुड इवनिंग इवनिंग एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में कैपिटल गेन्स हम लोग कर रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं आप सब लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं सो दिस इज मी आई एम आटेड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन आई टीच बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स टू सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड टैक्सेशन टू सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ये मेरा शेड्यूल है मैं रोज सुबह आठ बजे अन्य सीए फाउंडेशन प्रो चैनल पर लाइव आता हूँ मैं मंडे मैं थर्सडेज फ्राइडेज और सैटरडेज अन अकेडमी प्लस के लक्ष्य 1.0 बैच में शाम को सवा चार सेवा छह लाइव आता हूं और मैं थर्सडेज फ्राइडेज और सैटरडेज को प्लस के मिशन सक्सेस बैच में दोपहर को सवा बारह से सवा दो लाइव आता हूं फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स टू टीच देम बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स और सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को टैक्सेशन पढ़ाने के लिए आपको टैक्सेशन पढ़ाने के लिए मैं लक्ष्य सीए चैनल पर रात को नौ बजे आता हूं मंडे टू फ्राइडे राइट मेरे जितने भी पुराने सेशन हैं वो सारे के सारे आपको वर्चुअल लाइब्रेरी में मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्चुअल लाइब्रेरी दिखाई देगी जिसमें आपको शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने टैक्सेशन के जितने भी सेशन आप लोगों के साथ लिए हैं वो सारे के सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे तो आप वहां से देख सकते हैं कोई भी पुराना सेशन बाकी अगर आप लोग और ज्यादा डेडिकेटेड और एग्जाम ओरिएटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप अनकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अडमी प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और आइकॉनिक में आपको प्लस के बेनिफिट्स के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लानर स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट और टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाता है तो सब्सक्रिप्शन uh, लेने के लिए आपको करना क्या होगा आपको बस अन अकेडमी की वेबसाइट पर आना होगा स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना होगा यहां पर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा सीए उसके बाद यहां पर आपको सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करना होगा सी इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा यहां पे जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे प्लस और आइकॉनिक प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स में आप लोगों को बता चुका हूं बट सिंस दिस इज रिकॉर्डेड क्लास एंड अकेडमी में प्राइसेस थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं चेंज इन सेंस के ऑफर्स आते रहते हैं डिस्काउंट्स आप लोगों को मिलते रहते हैं ठीक है तो कभी दो महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा कभी चार महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा कभी एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा कुछ कुछ ऐसा होता रहता है दैट्स एम नॉट शोइंग यू प्राइस इज राइट नाउ क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है राइट एनी वे तो आप जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको बस एक काम करना है कि वहां पर रेफरल कोड में आपको मेरा कोड डाल देना है निश निशटेन जिससे आपको मिल जाए फ्लैट टेन परसेंट का डिस्काउंट इवन अबव वट एवर ऑफर इज गोइंग ऑन ऑन एन अकेडमी वेबसाइट ठीक है तो जो पर जो भी वहां पर वेबसाइट पर ऑफर्स चल रहे होंगे वो तो चलेंगे ही चलेंगे आप उसके साथ मेरा कोड अगर यूज करते हैं निश और अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है एडिशनल टेन परसेंट का डिस्काउंट ठीक है ऑल right. राइट uh, हम लोग कर रहे थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स सबसे पहले एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि कैपिटल गेंस होता क्या है तो हमने सबसे पहले पहले पढ़ा पढ़ा सेक्शन 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 नंबर 45 सब uh, 1 उसमें हमने पढ़ा कि कैपिटल का चार्जिंग होता है वो ठीक है फिर हमने कहा कि अगर आपका कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया जाता है तो फिर उस पर जो भी इनकम अराइज होती है उस इनकम पर आप कैपिटल गेंस देते हो वो इनकम कब किस साल की मानी जाती है इन दैट ईयर इन द ट्रांसफर टेक्स प्लेस ठीक है तो ये हम लोगों ने वहां पर बात पड़ी उसके बाद हम लोगों ने इस पर कहा कि तीन चीजें हैं यहां पर ध्यान देने वाली एक चीज आपके पास हो जाती है कैपिटल एसेट दूसरी चीज होती है ट्रांसफर और तीसरी चीज होती है इन द इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर प्लेस राइट कैपिटल एसेट को डिफाइन किया हम लोगों ने कैपिटल एसेट को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मूवेबल इमूवेबल का वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट इसके पांच एक्सेप्शन थे पहला एक्सेप्शन था स्टॉक इन ट्रेड दूसरा एक्सेप्शन था पर्सनल इफेक्ट तीसरा एक्सेप्शन था रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया और चौथे और पांचवे एक्सेप्शन गोल्ड से रिलेटेड या गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड थे स्टॉक इन ट्रेड में कोई इश्यू नहीं था स्टॉक इन ट्रेड को जब आप बेचते हो तो आपके बिजनेस में इनकम होती है और बिजनेस की इनकम का टैक्स आप बिजनेस पीजीबीपी वाले हेड में पे कर देते हो दूसरी चीज पर्सनल इफेक्ट्स पर्सनल इफेक्ट्स वो चीजें होती है मूविंग आइटम्स uh, होते हैं मूविंग प्रॉपर्टी होती है मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि एक ऐसे ओन करता है जिसको वो अपने लिए यूज करता है या फिर उसके फैमिली मेंबर्स जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं वो उसको यूज करते हैं पर्सनल इफेक्ट्स के पांच छे सॉरी पर्सनल इफेक्ट्स के छे एक्सेप्शन थे ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क मतलब ये छह चीजें पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं आती हैं मतलब ये छह चीजें कैपिटल में आती है और अगर इन छह चीजों का आप ट्रांसफर करते हो तो इन पे जो भी इनकम होती है उस पर आप लोगों को कैपिटल टैक्स पे करना पड़ जाता है उसके बाद हम लोगों ने बात की थी रूरल एग्रीकल्चर अच्छा इसी में ज्वेलरी के अंदर हम लोगों ने वो भी बात की थी, थी ना ऑर्नमेंट्स ऑफ और गोल्ड एंड सिल्वर एंड एनी प्रेशियस मेटल अगर आप लोगों को याद हो तो ज्वेलरी के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्वेलरी का मतलब भी प्रॉपरली इलाबरेट करके डिफाइन किया हुआ है कि आपके जो ऑर्नमेंट्स होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नमेंट्स हो सकते हैं किसी भी प्रेशियस मेटल के ऑर्नमेंट हो सकते हैं या अगर किसी एक चीज में कुछ प्रेशियस मेटल्स गड़े हुए हो गोल्ड सिल्वर कुछ गड़ा हुआ हो तो वो भी आपका ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाता है हमने फिर चांदी के बर्तन और सोने के बर्तनों की भी बात की थी कि चांदी के बर्तन इंडिया में यूज होते हैं खाने पीने के लिए भी यूज होते हैं उसके मेडिकल बेनिफिट्स भी होते हैं तो चांदी के बर्तनों को इवन दो वो सिल्वर के आइटम्स हैं लेकिन उनको ज्वेलरी नहीं माना जाता वो पर्सनल इफेक्ट्स में ही आ जाते हैं तो उनको चांदी के बर्तनों को अगर आप लोग बेचते हो तो उस पर अराइज होने वाला कोई भी कैपिटल गेन आपका कैपिटल गेन नहीं माना जाता क्योंकि उसको कैपिटल एसिडी नहीं माना जाता उसको पर्सनल इफेक्ट मान लिया जाता है ऑन दी अदर हैंड जो गोल्ड के बर्तन होते हैं गोल्ड के यूटेंसिल्स आपके यूज करने के लिए डेली यूज के लिए मिसफिट होते हैं बिकॉज उससे आपके जो केमिकल रिएक्शन

ठीक है फिर बात आती है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल एरिया तो रूरल एरिया इज एन एरिया इज नॉट एन अर्बन एरिया और अर्बन एरिया कौन सा एरिया होता है अर्बन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसकी पॉपुलेशन दस या उससे ज्यादा हो ठीक है दस से ज्यादा हो अगर दस से ज्यादा किसी भी एरिया की पॉपुलेशन है तो उस एरिया को आप अर्बन एरिया कहते हो यहां पर ट्विस्ट है अगर पॉपुलेशन दस हजार से ज्यादा और एक लाख से कम है तो उस एरिया के साथ साथ उसके दो किलोमीटर के आसपास का एरिया भी अर्बन एरिया कहलाता है अगर पॉपुलेशन एक लाख से ज्यादा और दस लाख से कम है तो उस एरिया के साथ साथ उसके आसपास के छह किलोमीटर के रेडियस का एरिया भी अर्बन एरिया कहलाता है और अगर पॉपुलेशन दस लाख से ज्यादा है तो उस एरिया के साथ साथ उसके आसपास के आठ किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया कहलाता है मतलब इस एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड होगी तो वो एक्सेप्शन में कवर नहीं होगी उस एग्रीकल्चरल लैंड को अगर आप लोग बेचोगे तो प्रॉफिट जो भी आएगा उस पर आपको सरकार को कैपिटल गेंस देना पड़ जाएगा ठीक है ये जो पॉपुलेशन होती है ये लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग निकाली जाती है और जो डिस्टेंस होता है दो किलोमीटर छह किलोमीटर आठ किलोमीटर का ये एरियली मेजर किया जाता है ठीक है उसके बाद हम लोगों ने बात की थी ये सब तो बात हो गई ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया रूरल एग्रीकल्चर लैंड के बारे में भी बात हो गई अर्बन एरिया के बारे में बात होगी उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसफर के बारे में बात की थी कि ट्रांसफर का मतलब क्या होता है सिंपल हो जाता है बेच देना. का मतलब मैंने अपना कैपिटल एसेट देकर और एसेट ले लिया ठीक है तो ये एक्सचेंज हो जाता है इसको भी सरकार ट्रांसफर मानती है रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट को त्याग दिया एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन कैपिटल एसेट मेरा राइट उस कैपिटल खत्म हो गया नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इन स्टॉक इन ट्रेड मेरे पास कोई कैपिटल एसेट था मैंने उन्हीं कैपिटल की चीजों का बिजनेस करना शुरू कर दिया मतलब उसी टाइप का मैंने करना शुरू कर दिया तो जो भी मेरे पास इस कन्वर्जन को एसेट सरकार को सड़क बनानी थी आपका घर उठा लिया सरकार ने सर खरीद तो तोल्सरी एक्विजेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स को भी ट्रांसफर माना जाता है अलाउिंग पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने कहा कि अरे यार तू रहना शुरू कर

जो कूपन रेट होता है वो जीरो होता है दीज बॉन्ड्स आर यूजुअली इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार ठीक है ये पिछले आठ मिनट लगाकर हमने पिछली दो क्लासेस का अच्छा खासा रिवीजन कर लिया है अब हम लोग चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स ठीक है दो टाइप के कैपिटल एसेट्स होते हैं एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हमें कैसे पता चलता है या क्या बेसिस है डिटरमिन करने का कि कोई एसेट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है ठीक है वो सिंपल सा फंडा है पीरियड ऑफ होल्डिंग ठीक है मैं जितने समय के लिए किसी एसेट को होल्ड करके रखूंगा वो समय बताएगा वो समय बताएगा कि मेरे लिए वो एसेट शॉर्ट टर्म के मेरे पास वो एसेट शॉर्ट टर्म के लिए था या लॉन्ग टर्म के लिए था तो सर वो समय क्या है वो समय अलग अलग है ठीक है कुछ एसेट्स के लिए वो समय एक साल है ठीक है कुछ एसेट्स के लिए वो समय एक साल है मतलब अगर वो दो चार एसेट्स हैं जो भी लॉ में मेंशन है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अगर वो दो चार एसेट्स हैं अगर वो दो चार एसेट्स मेरे पास एक साल के अंदर अंदर तक मैं उनको बेच देता हूं तो कहा जाएगा कि एसेट्स मेरे पास एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थे तो इनसे अराइज होने वाला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा लेकिन अगर उन एसेट्स को मैंने एक साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया और एक साल के बाद मैंने उन एसेट्स को बेचा तो फिर कहा जाएगा कि वो वाले एसेट्स मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए थे और इससे अराइज होने वाला जो कैपिटल गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ठीक है कुछ एसेट्स के लिए दो साल का ड्यूरेशन स्पेसिफाई किया हुआ है लॉ में कि अगर उन एसेट्स को आप दो साल के अंदर अंदर बेच देते हो तो उन एसेट्स को कहा जाएगा कि वो आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थे तो उनसे अराइज होने वाला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा लेकिन अगर उन एसेट्स को आप दो साल से बाद दो साल के बाद बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा और कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स में तीन साल का पीरियड दिया हुआ है कि अगर आप तीन साल के अंदर अंदर बेच देते हो तो शॉर्ट टर्म और अगर तीन साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म ठीक है तो सबसे पहली बात एसेट्स आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स ठीक है तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एसेट्स आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स तो दो टाइप के आपके पास एसेट्स होते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म राइट अब आ जाओ देखो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको दी हुई है सेक्शन 242 ए के अंदर ठीक है तो देखो मैंने आप लोगों को जो बताया था कि कुछ एसेट्स में एक साल कुछ एसेट्स में दो साल और कुछ एसेट्स में तीन साल ये वाली जो इमेज है ये भी मैंने आप लोगों के आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ली हुई है ठीक है तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी आपको ये इमेज मिल जाएगी आप ढूंढना चाहो ढूंढ लेना लेकिन बाद में ढूंढना अभी इधर ध्यान दो ये वाली इमेज आईसीआई के स्टडी मटीरियल से तो ध्यान दो ठीक है अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी है अदर दैन यूनिट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी का मतलब हो जाता है स्टॉक

ठीक है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर मेरे पास शेयर है तो आई होल्ड द सिक्योरिटीज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज वो मेरा कैपिटल एसेट हो जाएगा और उसके लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिसाइड करने के लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो है बारह महीना ठीक है अगर मैं इस सिक्योरिटी को रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज के मेरे पास शेयर्स हैं सपोज ठीक है अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को अगर मैं 12 मंथ्स के अंदर-अंदर बेच देता हूं या 12 मंथ्स एग्जैक्टली exactly 12 मंथ्स के लिए होल्ड करता हूं तो उनको बोला जाएगा उनसे अराइज होने वाला जो भी गेन होगा दैट विल बी माय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेकिन अगर 1 साल के बाद बेचता हूं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा ठीक है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा हो सकता है किसी लोग आप में से किसी के मन में आ रहा होगा सर पर्पज क्या था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करने का पर्पज ये था कि दोनों पे अलग अलग टाइप के रेट्स लगते हैं ठीक है तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा तो उस पर कोई और रेट लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा तो उस उसपे कोई और रेट लगेगा इवेंचुअली हम लोग इन चीजों को भी समझेंगे अभी फिलहाल इधर देखते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किन किन केसेस में उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या क्या है ठीक है क्योंकि ये सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी मैं आपको इतना धीरे धीरे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि एक क्लास में मैंने सिर्फ कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बताई दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को कैपिटल एसेट कंप्लीट करवा के ट्रांसफर की डेफिनेशन बताई अब यहां पर भी मैं आप लोगों को इतना धीरे धीरे करा रहा हूँ उसका पर्पस है उसका रीजन है और हर क्लास के स्टार्टिंग में मैं के आप लोगों को पूरा का पूरा रिवाइज करवा दे रहा हूं उसका रीजन है रीजन ये है क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना तो सब कुछ इतना मिक्स होकर आएगा इनफैक्ट अभी हम लोग भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे इस, ये, ये, इसके बाद ही क्वेश्चन शुरू हो जाएगा और इसके बाद हम लोग इतने सारे करेंगे जिनमें आप लोगों को थोड़ा सा ना कई अलग अलग डिरेक्शन में सोचना होगा ठीक है एंड आई सीरियसली होप एंड प्रे कि आप लोग बेसिक्स का और हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन रेगुलरली कर रहे हो ट्रस्ट मी अगर आपने टैक्सेशन का रिवीजन रेगुलरली नहीं किया तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी नो no मैटर आप अभी कितने भी अच्छे से क्यों ना समझ लो ठीक है एट एंड ऑफ द टाइम इट्स ओनली द मैटर ऑफ रिविजन किया हुआ होगा कि आप एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे या नहीं ठीक है मैटर आप कितना डीप में घुस के कॉन्सेप्ट को समझ लो अगर आपने रिवाइज नहीं किया हुआ होगा तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे और अगर आपने रिवाइज किया हुआ होगा तो एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू सॉल्व इट ठीक है आ जाओ देखते हैं धीरे धीरे तो हमारे पास 12 महीने के लिए बारह महीने या उससे कम के लिए अगर होल्ड करते हो तो इन एसेट्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहा जाता है ठीक है कौन कौन से एसेट्स हैं ये सिक्योरिटी लिस्टेड लिस्टेड इन इन स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज अदर देन यूनिट यूनिट का मतलब अगर कोई होगी तो उसके लिए बारह महीने का पीरियड विल नॉट बी कंसिडर फॉर डिटर्मिन इट वेदर इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो सर लिस्टेड यूनिट्स का क्या हो जाएगा लिस्टेड यूनिट्स कहीं और आ जाएंगे ठीक है लिस्टेड यूनिट्स आपके कहीं और आ जाएंगे अदर कैपिटल एसेट्स में आ जाएंगे ठीक है लिस्टेड यूनिट्स लिस्टेड यूनिट्स आपकी अलग जगह पर आ जाएंगे ठीक anyway, है एनी दूसरा यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड ठीक है इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपना पैसा सिर्फ इक्विटीज में लगाते हैं ठीक है म्यूचुअल फंड्स अलग अलग टाइप के होते हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स डेट ओरिएंटेड फंड्स होते हैं वो जो अपना पैसा सिर्फ डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह में लगाते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं जो अपना पैसा इक्विटीज में लगाते हैं ठीक है तो जो म्यूचुअल फंड पैसा इक्विटीज में लगाते हैं अगर उन म्यूचुअल की यूनिट्स आपके पास है ठीक है अगर उन म्यूचुअल की यूनिट्स आपके पास है तो बारह महीने या उससे कम के लिए तो शॉर्ट टर्म यूनिट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट महीने से ऊपर के लिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ठीक है और इसका लॉजिक आई होप आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा जब सिक्योरिटीज के लिए 12 महीने का पीरियड डिसाइड किया हुआ है तो सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो यूनिट्स होंगी उनके लिए भी तो 12 ही महीने का पीरियड आएगा ठीक है तो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स अगर आप 12 महीने या उससे पहले के लिए उससे कम के लिए होल्ड करते हो तो वो यूनिट्स आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाती हैं नहीं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाती हैं ठीक है थीके? तीसरा यूनिट्स ऑफ यूटीआई यूटीआई इज व्हाट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ठीक है आप लोगों ने यूटीआई का नाम कई बार सुना होगा तो अगर आपके पास यूटीआई की यूनिट्स यूनिट्स अगर आपके पास UTI की है, और आपने उनको बारह महीने या उससे पहले तक के लिए रखा ठीक है तो दैट टर्म कैपिटल तो लॉन्ग टर्म कैपिटल बॉन्ड जीरो अगर आपने बारह महीने या उससे पहले तक रखा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बारह महीने के बाद तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ठीक है इन चार चीजों के लिए सिर्फ इन चार चीजों के लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिसाइड करने के लिए द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ट्वेल्व मंथ्स और वन ईयर ठीक है सिर्फ इन चार चीजों के लिए द पीरियड ऑफ मंथ्स फॉर डिसाइडिंग वेदर एन एसेट वेदर एसेट्स आर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज वन ईयर और ट्वेल्व मंथ्स ठीक है फिर से सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ यू जीरो कूपन बॉन्ड अगर ये चार चीजें हैं

तो आपके लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिसाइड करने के लिए चौबीस महीने का जो पीरियड है द पीरियड ऑफ होल्डिंग जैसे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ठीक है unacademy merited, किसी भी रेकोग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर अभी भी un, है, नहीं है अगर मेरे पास के शेयर है मुझे आज अनकेडमी के शेयर मिलते हैं ठीक है थीके? और मैं उनको दो साल तक होल्ड करके रखता हूं और दो साल बाद बेच देता हूं ठीक है तो ये मेरे हो जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा ठीक है समझना ध्यान देना समझना ठीक ऑलाइट पे अटेंशन मैं अगर आज रिलायंस के शेयर्स लेता हूं ठीक है और सॉर्टिंग हेट्स के भी सॉर्टिंग हेट टेक्नोलॉजीज़ के भी शेयर्स ले लेता हूं सॉर्टिंग हार्ट टेक्नोलॉजीज़ के भी शेयर्स ले लेता हूं दिख नहीं रहा तुम लोगों ठीक है आज अगर मैं रिलायंस के शेयर्स लेता हूं और hat, private, के शेयर्स लेता हूं ठीक है इसको मैं यहां पर बेच देता हूं इन दोनों शेयर्स को मैं यहां पर बेच देता हूं सोल्ड तो रिलायंस के जो शेयर्स हैं ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा पर जो अन के शेयर्स हैं ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा ठीक है रिलायंस लिस्टेड कंपनी है ठीक है लिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज के लिए 12 महीने का पीरियड ही शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है ठीक है तो हमने 12 महीने के बाद क्योंकि रिलायंस के शेयर्स को बेचा तो इसलिए दिस विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ठीक है लेकिन सॉर्टिंग हाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी ठीक है तो इसको अगर मैं दो साल के अंदर अंदर बेच दे रहा हूं भले एक साल के बाद बेच रहा हूं तो ये मेरा फिर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा ठीक है आई होप अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी आप लोगों को आ रही होगी राइट रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीजिस्टेड कंपनी ऑन अ रेकनाइज स्टॉक एक्सचेंज तो उसकी सिक्योरिटीज अगर मैं एक साल के बाद बेच देता हूं ठीक है एक साल एक दिन पर भी बेचता हूं तो वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा ठीक है और सॉटिंग हार्ट मैं एक साल तीन दिन पर भी बेचता हूं अगर ठीक है अगर मैं एक साल तीन सौ चौसठवें दिन पर भी बेचता हूं तो वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा ठीक है क्योंकि ये दो साल की लिमिट होती है इसमें राइट right. चलो हाँ जी तो सिक्योरिटी लिस्टेड इन रेग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज यूनिट ऑफ एक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूटीआई जीरो कूपन बॉन्ड इन सब पे दो एक साल का है पीरियड ऑफ होल्डिंग

तो यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड देखो यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड तो इधर आ गई यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड तो इधर आ गया यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड ओरिएंटेड फंड फंड इधर आ गया यूनिट ऑफ डेट साल ठीक है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स क्यों क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स तो यहां पर आ गए दो साल के लिए ठीक है तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स शेयर्स के अलावा अगर आपके पास कोई अनलिस्टेड बॉन्ड्स वगैरह है तो वो आपके तीन साल के लिए आ जाएगा और उसके बाद कोई भी और अगर कैपिटल एसेट है तो उस पर तीन साल के लिए आपके पास माना जाएगा कि तीन साल से अगर पहले आपने एसेट को सेल ऑफ कर दिया तो पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस लेस देन 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 और इक्वल टू तो तो वो 36 months, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अगर मोर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स के अंदर पीरियड ऑफ होल्डिंग का ठीक है आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा राइट right? ये सारी चीजें क्वेश्चंस करते करते हम लोगों को धीरे धीरे याद हो जाएंगी बेसिकली बस आपको ये चार चीजें याद रखनी है और ये दो चीजें याद रखनी है बाकी सब तो अपने आप ही हो जाएगा ठीक है तो ये चार चीजें तो हम लोगों ने याद कर ही ले बेसिकली बेसिकली जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज होती है ठीक है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो गया जीरो कूपन बॉन्ड हो गया और एक चीज हो गई यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड यूनिट ऑफ यूटीआई ठीक है यूनिट ऑफ यूटीआई राइट right? तो ये चार चीजें तो बहुत आराम से याद हो गई आ, सबसे पहले तो लिस्टेड सिक्योरिटीज यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड यूनिट ऑफ यू और जीरो कूपन बॉन्ड ठीक है उसके बाद जो दो साल वाला था वो भी बड़ा सिंपल सा हो गया अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके अलावा बाकी कुछ भी होगा वो आपका तीन साल की कैटेगरी में आ जाएगा ठीक है चलो आगे चलते हैं फाइनली बात करते हैं कि कैपिटल गेंस को कंप्यूट कैसे किया जाता है कैसे कैपिटल गेंस की कैलकुलेशन की जाती है ठीक है अब हम लोगों ने इतना तो देख लिया कि दो टाइप के कैपिटल होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल तो होता है ठीक है चलो आ जाओ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के आप करते क्या हो फुलसिडरेशन लेते हो विच इज बेसिकली ऑफ सेल प्राइस ठीक है जितने पे आपने उसको बेचा तो वो आपका सेल प्राइस हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस करते हो इसमें से ट्रांसफर एक्सपेंसेस कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज बेचने के चक्कर में कमीशन वगैरह देना पड़ता है ठीक है जैसे एक मकान है इमूवेबल प्रॉपर्टी है मकान बेचने के लिए आपको ब्रोकर का कमीशन वगैरह कुछ ना कुछ देना होगा तो लीगल एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ इनकर करने होंगे तो अगर आपने जो जो आपके पास कंसिडरेशन आई जो भी आपके पास पैसा आया उसमें से आप ट्रांसफर एक्सपेंसिस को माइनस कर दीजिए ये आपको नेट में मिला तो नेट कंसिडरेशन ठीक है ये आपको नेट में मिला नेट कंसिडरेशन

फिर से बहुत ही सिंपल है सेल प्राइस प्राइस कॉस्ट और कुछ भी नहीं है ठीक है सेलिंग प्राइस प्राइस कॉस्ट प्रॉफिट बचपन की इक्वेशन है वही है बस और कुछ भी नहीं है, की बस यहां पर लिखा है, ठीक है? और नेट सेलिंग प्राइस की जगह यहां पर लिख दिया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंसिस है क्या बेसिकली नेट सेलिंग प्राइस ही तो है ठीक है अगर मैं ये रिमोट आप लोगों को सौ रुपए में बेचता हूं ठीक है अगर मैंने ये वाला रिमोट आपको किसी को सौ रुपए में बेचा और आपके यहां आके बेचने में, में मेरे बीस रुपए लग गए तो मेरे नेट कंसिडरेशन कितना हुई हुई नेट रुपए ही तो हुई मेरी ठीक है वही पर फुल वैल्यू ऑफ मिला ट्रांसफर देने में कितना पैसा लग गया ट्रांसफर एक्सपेंसिस मतलब ट्रांसफर करने में कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने में कितना पैसा लग गया कितना खर्चा हो गया बीस रुपए नेट कंसिडरेशन कितनी आई अस्सी रुपए खरीदा कितने में था दस रुपए में क्या कुछ इंप्रूवमेंट कराया नहीं तो कितना हो गया अस्सी रुपए माइनस दस रुपए सत्तर रुपए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया बस काम खत्म ठीक है सर सत्तर रुपए हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइट दिस इज हाउ यू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ठीक है तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल रिमेन एज इट इज नो चेंजेस देयर लेस ट्रांसफर एक्सपेंसिस नो चेंजेस नेट कंसिडरेशन नो चेंजेस इंस्टेड ऑफ सिंपली टेकिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वी आर टेकिंग हियर इंडेक्स्ड इंडेक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट और उसके बाद आपके पास आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठीक है नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसका मतलब क्या है इसको हम लोग समझेंगे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप डन Great. So we need to understand what is the meaning of indexed cost of acquisition, indexed cost of improvement. So हम लोग बात करते हैं हम the concept of index numbers के बारे में सबसे पहले. ठीक है? तो क्या होता है? वैसे आप लोगों ने अगर C A Foundation में आप लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा maths. तो आप लोगों को पता होगा सीए फाउंडेशन में एक चैप्टर है इंडेक्स नंबर्स का और अगर आपने मुझसे नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आपको पता होगा अगर आपने सीए फाउंडेशन में वो वाला चैप्टर पढ़ा था तो ठीक है तो सीए फाउंडेशन में हम लोग इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं और इनफैक्ट आप लोगों को जिन्होंने भी मुझसे सीए फाउंडेशन पढ़ा था ऑल दो इन ट्वेंटी को याद आएगा इंडेक्स नंबर uh, की पहली क्लास में मैंने आपको इनकम टैक्स के पांचों हेड्स के नाम लिखवाए थे और आपसे कहा था कैपिटल गेन निकालते समय इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है चलो एनी anyway. जिन लोगों को भी नहीं पता या जो भूल गए हैं आपको बताते तो एक बार इंडेक्स नंबर क्या होते हैं कंपेरिजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है इंडेक्स नंबर्स कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मतलब अगर मुझे यह पता करना है कि मेरा इस साल से अ, मेरा इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में कितना इन्फ्लेशन हुआ तो वो मुझे कैसे पता चलेगा वो मुझे इंडेक्स नंबर्स के बेसिस पर पता चलेगा इंडेक्स नंबर के हिसाब से पता चलेगा ठीक है इसके लिए कोई एक आपका बेस ईयर मान लिया जाता है और बेस ईयर को इंडेक्स नंबर असाइन कर दिया जाता है हंड्रेड ठीक है क्या बोला मैंने कोई एक बेस ईयर मान लिया जाता है और उस बेस ईयर को का का इंडेक्स इंडेक्स नंबर नंबर असाइन कर दिया जाता है 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 ठीक अब अगर अगले साल का 105 है, तो इसका मतलब क्या हुआ समझना बात को अगर सपोज फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू को बेस ईयर मान लिया और इसका इंडेक्स नंबर डाल दिया हंड्रेड और फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का इंडेक्स नंबर डाल दिया हंड्रेड एंड फाइव तो इसका मतलब क्या हो गया के इन द फाइनेंशियल ईयर 22 23 इन्फ्लेशन हैज गॉन अप बाय 5% पहले जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी वो अब 105 रुपए की मिलेगी 5% से दाम बढ़ गए ठीक है तो सरकार हर साल इंडेक्स नंबर्स इश्यू करती है ठीक है सरकार हर साल इस साल का मतलब जो भी जो भी रेलेवेंट ईयर होता है उस साल का इंडेक्स नंबर सरकार इशू करती है ठीक है बेस ईयर इन टू 2000 2000 2001 2002 को फाइनेंशियल ईयर 2001 टू को बेस ईयर फाइनेंशियल दो और फाइनेंशियल ईयर 2001 दो का इंडेक्स नंबर है 100 और उसके बाद तब से लेकर आज तक के इंडेक्स नंबर आपके आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं थोड़ा सा और समझेंगे और मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल रिलिवेंस भी बताऊंगा प्रैक्टिकल यूज भी बताऊंगा अभी आप देखते हैं इसको आगे एवरी इयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस वॉट इज नोन एज अ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ठीक है इट इज यूज टू एस्टिमेट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेट्स ईयर बाय ईयर ड्यू टू इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन की वजह से एसेट्स के प्राइसेस में क्या इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर वो आप लोगों को इससे पता चल जाता है फॉर एग्जाम्पल और ये सारे रियल नंबर है इंडेक्स नंबर फॉर द प्रीवियस थाउजेंड वन टू इज हंड्रेड प्रीवियस ईयर टू थाउजेंड टू थ्री का क्या हो गया टू थ्री का ये हो गया 105 तो so आप लोग देख सकते हो कि जो चीज सौ रुपए में मिलती थी दो हजार में वो चीज दो हजार में 105 की मिल रही है ठीक है ऐसी बहुत सारे इंडेक्सेस इंडेक्स नंबर्स और भी दिए हुए प्रीवियस ईयर 2020 21 का 301 है और प्रीवियस ईयर 2021 22 का 317 सौ जो आपको याद करना है ठीक है सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू का इंडेक्स नंबर याद करना है और पहले के सारे इंडेक्स नंबर जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन में रेलिवेंट होंगे वो सारे के सारे आपको दिए हुए होंगे अभी तो हम लोगों को यह भी बात करनी है कि इसका पर्पज क्या है इसको यूज कैसे करते हैं ठीक है तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज दो हजार में सौ रुपए की मिल रही थी वो चीज 2021 हजार में तीन रुपए की मिलेगी वो चीज 2021 हजार में तीन रुपए की मिलेगी ठीक है तो सर इसका प्रैक्टिकल रेलिवेंस क्या है When we say indexed cost of acquisition, हम लोगों ने यहाँ पर देखा तो कैसे कर, क्या, क्या करें इसका इंडेक्स नंबर का हम लोग करें क्या ठीक है तो अभी मैं आपको बताता हूं बहुत ही सिंपल प्लेन सिंपल बहुत ही प्यारी सी चीज है कोई मकान आपने खरीदा दो हजार दो तीन में दो हजार दो तीन में आपने मकान खरीदा पांच लाख रुपए का दो हजार दो तीन में आपने मकान खरीदा पांच लाख रुपए का आपने दो हजार इक्कीस बाईस में उस मकान को बेच दिया एक करोड़ एक करोड़ रुपए का मकान आपने बेच दिया ठीक है अगर हम ये सब कुछ नहीं करते इंडेक्सेशन वगैरह कुछ नहीं करते तो आपका प्रॉफिट कितना आता या अब प्रॉफिट को छोड़ो आपका कैपिटल गेन कितना आता एक तो लॉन्ग टर्म हो जाता ना दो साल से ऊपर के लिए रखा हुआ है दो साल होता है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दो साल टू डिन वेर इट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो ये तो यहां पर क्लियर हो गया दो साल से ऊपर के लिए रखा हुआ है ठीक है दो हजार दो तीन में खरीदा तो दो हजार इक्कीस बाईस में बेच रहे तो दो साल से तो ऊपर के लिए रखा हुआ है तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ठीक है अगर हम लोग इंडेक्सिंग में इंडेक्सिंग नहीं करते तो क्या होता फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी आती एक करोड़ आती लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस मान लो नील तो नेट कंसिडरेशन कितनी आती एक करोड़ ठीक लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पांच लाख नाइंटी फाइव लैक्स का प्रॉफिट नाइंटी फाइव लैक्स का प्रॉफिट आई यू इनसेन, सेन नाइन्टी फाइव लैक्स का प्रॉफिट ठीक है तो लोगों ने कहा कि सरकार या एक्चुअली सरकार नहीं कहा कि देखो ये ना बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज है आपने कोई चीज बीस साल पहले खरीदी ठीक है अब हम उसको कंपेयर करेंगे कि अगर वो चीज आपने आज खरीदी होती तो क्या होता ठीक है हम ये देखेंगे कि अगर ये चीज आपने आज खरीदी होती मतलब दो हजार दो तीन में जो मकान पांच लाख रुपए का था उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आप आज निकालेंगे ठीक है और वो कैसे निकालेंगे वो निकालेंगे आप बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर्स वो आप कैसे निकालेंगे बाई यूजिंग इंडेक्स नंबर आपको याद नहीं होगा मैं आपको याद दिला देता हूं अभी हम लोगों ने देखा था कि financial year का index number was 105। और financial year का और देखाशियल सौ सत्रह ठीक है इसका मतलब क्या है समझना इट्स प्योर एंड सिंपल यूनिटरी मैथला वॉर्मुला कुछ नहीं एकदम प्योर यूनिटरी है। ठीक है इसका मतलब है कि जो चीज एक रुपए की मिलती थी 2002-3 में वो चीज अब तीन रुपए की मिल रही है 2021 22 में समझना जो चीज एक रुपए की मिलती थी 2002-3 में वो चीज अब तीन रुपए की मिल रही है 2021 22 में तो जो चीज पांच लाख रुपए की मिली थी 2002-3 में वो चीज अभी कितने की मिलेगी पसपन का प्यार से भूल ही जाना रे यूनिट्री मेथड ठीक है तो जो चीज पहले एक सौ पांच रुपए में मिलती थी वो चीज अब तीन सौ सत्रह रुपए में मिलेगी जो चीज पहले पांच लाख में मिलती थी वो अब कितने में मिलेगी आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे और ऐसे डिवाइड कर दोगे दिस मेथड विल सेव यू सो मेनी फॉर्मूलाज इतने मतलब इतना आराम हो जाएगा ना आपको सीरियसली बता रहा हूं अगर आपने यूनिट्री मेथड सीखा हुआ है ठीक है बड़ा सिंपल सा है जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो आप राइट right साइड रखोगे ठीक है अभी आपको 2021-22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2021-22 की वैल्यूज आपने राइट right साइड रखी गिवन इंफॉर्मेशन में भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में भी ठीक है 105 सौ पांच दो तीन की इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है ठीक है 317 सौ सत्रह इक्कीस बाईस की इंफॉर्मेशन आपने इधर रखी है दो हजार दो तीन की इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है जो चीज चाहिए वो राइट right साइड रखनी है जो चीज चाहिए वो आपको राइट right साइड रखनी है मतलब कहने का मतलब हुआ आपको दो हजार इक्कीस बाइस की वैल्यू चाहिए ना तो इक्कीस बाइस की वैल्यू आप इधर रखोगे राइट साइड यहां पर भी और यहां पर भी ठीक है यहां भी आपने इक्कीस बाईस की वैल्यू रखी राइट साइड यहां पर भी आपने इक्कीस बाईस की वैल्यू रखी राइट साइड देखो सॉल्व कैसे करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब पांच लाख इंटू तीन सौ सत्रह डिवाइडेड बाय एक सौ पांच डिवाइडेड बाय एक सौ पांच अब देखो कितना आया क्या देवता कैलकुलेटर देवता कहां गए कैलकुलेटर देवता आइए हमारे पास जल्दी से आइए कैलकुलेटर देवता आएंगे कैलकुलेटर देवता ये आ गए कैलकुलेटर देवता पांच लाख इंटू तीन सौ सत्रह डिवाइडेड बाय एक सौ पांच इतना पंद्रह लाख जीरो नाइन फाइव ट्वेंटी थ्री पंद्रह जीरो नाइन फाइव ट्वेंटी फोर मान लो पंद्रह जीरो नाइन फाइव ट्वेंटी फोर अब तो यहां पर ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा तो इंस्टेड ऑफ नाइनटी फाइव लैक्स आपकी इनकम क्या आएगी आपकी इनकम आएगी एट्टी फोर नाइनटी फोर सेवेंटी सिक्स एटी फोर नाइनटी फोर सेवेंटी सिक्स आई होप आपको बात समझ में आ रही है ठीक है कि जो चीज आपने 2002-3 में 317 जो चीज आप दो हजार दो तीन में एक सौ पांच रुपए की खरीदते थे वो आपको अभी तीन सौ सत्रह की मिलेगी तो जो चीज आपने पांच लाख में खरीदी वो अभी कितने की मिलेगी इक्वी वेलेंट वैल्यू निकालो और उससे कंपेयर करो ठीक है तो एक करोड़ तो अभी की वैल्यू है आप उसकी इक्वी वेलेंट वैल्यू निकालिए पांच लाख जो आपके दो हजार दो तीन में थे वो उसकी आज क्या वैल्यू हो गई उसकी आज ये वैल्यू हो गई पंद्रह जीरो फोर

तो ये फॉर्मले वगैरह आप लोग वैसे तो देखो याद हो जाएगा लेकिन अगर मान लो कभी भी कंफ्यूजन है में तो हमेशा कॉन्सेप्ट को सोचना लॉजिक को सोचना क्या लॉजिक क्या था हम इंडेक्सेशन कर क्यों रहे ठीक है इट मुड बीन टेकन बी ओनली वन मिनट टू जस्ट गिव यू दिस फॉर्मुला हाँ हाँ ये वाला फॉर्मुला है चलो आज क्वेश्चन करते हैं बट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक यार है क्या क्यों कर रहे हैं हम लोग इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग के पीछे का लॉजिक है इस लॉजिकॉर्मुले के पीछे का लॉजिक है ठीक है तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कॉस्ट एक्विशन इन टू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स ऑफ परचेस एंड सिमिलरली आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आ जाएगा कि आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परस करोगे इसका ले लो आप डन ग्रेट 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 सवाल आ रहा है कि सर अगर कोई एसेट फर्स्ट अप्रैल 2001 से पहले लिया हो तो हमें जो इंडिसेस हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2001-02 से ही तो गिवन है 100 और उसके बाद से अगर कोई एसिड फर्स्ट अप्रैल 2001 से पहले लिया हो तो तो उसकी हम लोग इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे तो उसका जवाब ये है कि अगर आपने अच्छा चलो ये तो सारे इंडेक्स नंबर्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले उसके बाद बताता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपको ये सारी याद करने की जरूरत नहीं है 2001 दो, दो से लेकर 2021 हजार जो भी आपका जो भी आपको याद रखना पहले परचेज किया हुआ है तो इंडेक्सिंग के पर्पस के लिए इंडेक्सिंग के पर्पस के लिए आप या तो उसकी कॉस्ट ले लीजिए जो ओरिजिनल कॉस्ट थी या तो फर्स्ट अप्रैल 2001 को जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो लीजिए ठीक है फर्स्ट अप्रैल 2001 को जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू थी आप बोलेंगे, लेंगे right? राइट तो क्या या तो कॉस्ट या तो फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से जो भी ज्यादा है दोनों में से जो भी बड़ा है ठीक है अगर आपकी ओरिजिनल कॉस्ट महंगी थी अगर आपको सपोज आपने 1991 92 में खरीदा ठीक है 91 92 में आपने 5 लाख रुपए का मकान खरीदा 2001 2 में उसकी फेयर वैल्यू सपोज 3 लाख है ठीक है तो आप इंडेक्सिंग करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट कब मिलेगा आप पांच लाख मान के इंडेक्सिंग करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा या तीन लाख मान के इंडेक्सिंग करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा जाहिर सी बात है अगर आप लाख मान के करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा तो दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी आप उसकी इंडेक्सिंग करोगे ठीक है मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में फिर आप ले लोगे या तो ओरिजिनल कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजेंड वन विच एवर इज हायर ठीक है एक तो ये हो जाएगा आगे

फर्स्ट अप्रैल 2001 को जब उसकी फेयर वैल्यू नापी जाएगी तो ये जो फ, जो फर्स्ट फर्स्ट फर्स फ्लोर मैंने बनवाई है ठीक है उसकी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो जाएगी ना फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है अभी पुराना ये थोड़ी देखेंगे कि ये फर्स्ट फ्लोर की खरीदी थी तो फर्स्ट फ्लोर की फेयर वैल्यू बताओ ऐसे नहीं आपकी पूरी प्रॉपर्टी ठीक है आपने ग्राउंड फ्लोर खरीदी आपने ग्राउंड फ्लोर का मकान खरीदा 91, 92 में आपने 95, 96 नाइन्टी सिक्स में उसमें फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवा दी तो अब जब इसकी फेयर वैल्यू देखेंगे फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन को तो ये जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये ऑटोमैटिकली उसमें इंक्लूड होकर आ जाएगा ठीक है तो इसलिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी आपका फर्स्ट अप्रैल 2001 से पहले का होता है उसको कर दिया जाता है इग्नोर इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट डन डन अब हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन फाइनली दोनों ध्यान से बहुत

तो देखो क्या इस डीलर no. है ना प्रॉपर्टी डीलर है तो इसके लिए प्लॉट ऑफ लैंड सौ लाख का डेढ़ तो तो से एक्सक्लूडेड हो जाता है तो आप में से जितने भी लोग इसको दो साल के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान के इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने की कोशिश कर रहे थे आपको समझ में आई बात आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये है क्या तो निश्चे <coughs> ज अ प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी डीलर का तो काम ही है जमीन खरीदना बेचना तो अगर उसने कोई जमीन का टुकड़ा बेचा तो इसके लिए तो इसका काम है, है कहां से हो गया? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी डीलर तो इस पर कोई भी कैपिटल गेंस टैक्स पे आएगा नहीं ठीक है अभी यह सब मैं लिखवा नहीं रहा हूं वो सब हम लोग बाद में देख लेंगे कि यह थियोरिटिकल क्वेश्चन का आंसर वगैरह कैसे करना चाहिए एंड ऑल दैट क्योंकि कई सारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उनमें ये छोटे छोटे पार्ट बनकर आएंगे ठीक है जो भी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उनमें ये सारे छोटे छोटे पार्ट बन कराएंगे, तो तब मैं आपको लिखा दूंगा मोटर कार अरे पर्सनल इफेक्ट आ गया ना ये तो पर्सनल इफेक्ट के सिर्फ छह ही तो एक्सेप्शन है ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट देख लो कितना सिंपल हो जाता है अगर आपको सारी डेफिनेशन याद होती है तो पर्सनल मोटर कार बेची है आ गया पर्सनल इफेक्ट में कहां से कैपिटल कैपिटल एसेट रहा कैपिटल एसेट है ही नहीं है ठीक है

मिस्टर सेल्स उस पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस क्या ये पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस पर्सनल इफेक्ट में आएगा ठीक है मैंने आपको बताया था ना खुद का अगर रेजिडेंशियल हाउस भी है तो वो कैपिटल एसेट हो जाएगा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या थी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंडल इनमूवेबल टैंजल इन टेबल वेदर कनेक्टेड बिजनेस और नॉट ठीक है, वेदर नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस प्रोफेशन तो ये मेरा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड रेजिडेंशियल हाउस है इसको अगर मैं बेचूंगा तो ये पर्सनल इफेक्ट नहीं कहलाएगा इस पर कैपिटल गेन्स लग जाएगा आगे देखते हैं Mr. निस्टेन sells his personal रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1st April 2022 for 96 फॉर 70 thousand लाख which was acquired by him on 1st October ऑन for 30 lakh ,00 rupees. Expenses फॉर transfer लाख 50 thousand और ट्रांसफर बड़ा सिंपल सा हो गया ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा ठीक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा ना क्योंकि 2008 में बेचा था 2008 में खरीदा था और अभी बेचा है 2008 में खरीदा था और अभी बेचा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो साल से ऊपर का टाइम तो हो ही गया, ठीक है लैंड और बिल्डिंग और बोथ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दो साल का टाइम रहता है पीरियड ऑफ होल्डिंग पर एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें और वो ट्विस्ट पता है क्या है ये मकान बेचा गया है ऑन फर्स्ट अप्रैल 2022 ओह oh. उजेंड अप्रैल 2022 को बेचने का मतलब हो गया फाइनेंशियल मतलब असेसमेंट ईयर 2023-24 और हमसे पूछा किसके लिए गया है हमसे असेसमेंट नो कैपिटल गेन्स ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में जहां एग्जामिनर आपको सिर्फ इसी के लिए मजे लेने ठीक है सिर्फ इसी बात से एग्जामिनर आपके मजे ले लेगा कि भाई साहब क्या कर रहे हो ये तो हमने फर्स्ट अप्रैल 2022 को बेचा है। जैसे बैंक कि महीने के बाद का ट्रांजैक्शन भी आपको में दे दिया जाता है और होगा ठीक है थाउजेंड अप्रैल टू को बेचा असेसमेंट टू ट्वेंटी थ्री में थोड़ी टैक्सेबल होगा ये असेसमेंट थ्री ये ट्वेंटी फोर में टैक्सेबल होगा ठीक है तो आइए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आंसर यही हो जाएगा कि सिंस द हाउस वॉज सोल्ड ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट इज प्रीवियस ईयर टू ट्वेंटी थ्री इट विल बी टैक्सेबल इन दी असैसमेंट ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड नॉट इन दसेसमेंट इन ट्वेंटी टू ट्वेंटी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे कंप्यूट द कैपिटल गेन्स फॉर असेसमेंट ईयर टू ट्वेंटी थ्री इन केस मिस्टर निश्चे सेल्स एन एग्रीकल्चरल लैंड उजेंड एट हंड्रेड ठीक है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो यहां पर इसका आंसर आप लोग लिखोगे स्क्रीन शॉर्ट ले लो उसका और इसका आंसर हो जाएगा कि सिंस रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफरिंग ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड वुड नॉट अट्रैक्ट कैपिटल गेन्स टैक्स ठीक है ये भी हो गया आओ एक क्वेश्चन और करते हैं कंप्यूट द कैपिटल गेन्स फॉर दसेसमेंट ऑफ ट्वेंटी 22-23 थ्री इन दॉलोइंग केस मिसिज प्रिया सेल्स हर गोल्ड ब्रेसलेट अब देखो गोल्ड ब्रेसलेट उसका खुद का गोल्ड ब्रेसलेट क्या ये कैपिटल एसेट माना जाएगा दंसर इज येस क्यों सर वो तो उसका खुद का है पर्सनल इफेक्ट पर्सनल इफेक्ट के ही तो है, पहला एक्सेप्शन ज्वेलरी ठीक है पर्सनल इफेक्ट के छह एक्सेप्शन और पहला एक्सेप्शन ज्वेलरी तो अगर मिसेस प्रिया अपना ऑर्नामेंट अपना गोल्ड ब्रेसलेट बेचती हैं तो ये उन्होंने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है ठीक है ऑन फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी था डायमंड्रेसलेट ऑन फर्स्ट मार्च अ डायमंड अप्रिल टू थाउजेंड सेवन फॉर ट्वेंटी थाउजेंड रुपी ये जो डायमंड फिट किया है ये क्या है ये इंप्रूवमेंट करवाया है इन्होंने ठीक है इन्होंने गोल्ड ब्रेसलेट खरीदा था फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फाइव को पचास हजार रुपए का इन्होंने गोल्ड ब्रेसलेट खरीदा ठीक है उसके बाद फर्स्ट अप्रैल 2007 को इन्होंने इसमें क्या किया दो साल बाद फर्स्ट मार्च 2005 दो साल एक महीने बाद इन्होंने क्या किया उसमें एक डायमंड भी इनग्रेव करवा लिया ठीक है एक डायमंड भी उसे इन्होंने फिट करवा लिया तो ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया अब आ जाओ इसको सॉल्व करेंगे आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं ना एक काम और करता हूं ये तो फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फाइव लाइज इन 2004 फाइव तो का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है 2004, 5, 4, 5 का इंडेक्स एक सौ 113 ठीक है और फिर टू थाउजेंड सेवन में करवाया था ना कुछ फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवन तो टू थाउजेंड का जो है वो कितना है टू थाउजेंड सेवन एट का जो इंडेक्स नंबर है एट का एक सौ उन्नीस एक सौ उन्तीस ठीक है तो फोर फाइव का हंड्रेड एंड थर्टीन और सेवन एट का हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन और ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का थ्री हंड्रेड एंड सेवनटीन फोर फाइव का हंड्रेड एंड थर्टीन कितना था 129 ट्वेंटी नाइन और फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है सर आइए शुरू करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑफ मिसेस प्रिया फॉर असेसमेंट ईयर थाउजेंड ट्वेंटी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी आएगी इनकी गोल्ड ब्रेसलेट इन्होंने भेजा सात लाख रुपए का तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगी सात लाख रुपए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सात लाख रुपए क्या कुछ एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर भी थे नहीं नो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर और राइट नील नेट कंसिडरेशन आ गई सात लाख रुपए ठीक है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी कितनी है कॉस्ट ऑफ़ आपने किया पचास हजार रुपए तो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज आप करोगे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इन टू ईर ऑफ ट्रांसफर का दो हजार चार पांच में खरीदा था तो दो हजार चार पांच का जो इंडेक्स नंबर है वो है एक सौ तेरह ठीक है एक सौ तेरह दिखाना आपको इसी तरह से पड़ेगा राइट क्या आएगा ये पचास हजार

कौन से साल में कराया था फाइनेंशियली टू थाउजेंड में टू थाउजेंड का इंडेक्स नंबर एक तो ये कितना आएगा आपका बीस हजार इंटू तीन सौ सत्रह अपॉन एक सौ उन्तीस दिस इज फोर्टी नाइन वन फोर्टी सेवन फोर्टी नाइन वन फोर्टी सेवन कितना हो जाएगा ये वन फोर्टी टू सिक्सटी फाइव प्लस फोर्टी नाइन वन फोर्टी सेवन वन एटी नाइन फोर वन टू ठीक है वन एटी नाइन फोर वन टू और फिर सात लाख माइनस वन एटी नाइन फोर वन टू दिस इज फाइव हंड्रेड एंड टेन फाइव एटी एट अरे दिस इज योर आंसर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठीक है सर आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है राइट right? इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा ठीक है अब देखो अगला क्वेश्चन ये आप लोग होमवर्क में करोगे क्वेश्चन नंबर सिक्स स्क्रीनशॉट ले लो दिस यूल डू एज होमवर्क ये भी होमवर्क स्क्रीनशॉट ये भी होमवर्क और ये भी स्क्रीन शॉट ठीक है तो चार क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एट और नाइन इन चारों का ही स्क्रीन शॉट आप लोगों ने ले लिया होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच एवरी वन टेक केयर एल सी यू गैस इन द नेक्स्ट क्लास बाय